तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तुहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनकी ज़ियारत का कोई ख़ास अमल बताएं। तो ये अमल हमने राज में रखा हुआ था कई सालों से, लेकिन अब सोचा है कि मुसलमानों की तमन्ना और ख्वाहिश है और बहुत लोग सवाल करते हैं, तो अब ये राज भी हम जो है वो आपके सामने खोल देते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात बिल्कुल होती है, और एक बार नहीं कई बार होती है, और मुख्तलिफ हालतों में होती है, और आपको ये पता नहीं होता कि कहाँ पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होगी और अचानक हो जाती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो रहनुमाई भी फरमाते हैं, अच्छा मशवरा भी अता फरमाते हैं, और अच्छे तरह से रहनुमाई भी फरमाते हैं, और ज़ियारत भी होती है, मुलाकात भी होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल और करम है, जिस पे करना चाहे वो कर दे। ये सब उसी की अता के साथ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बाज़ बंदों को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी करवा देते हैं। और जिस तरह रिजालुल ग़ैब जो हैं, ऐसे लोग अल्लाह उनकी भी ज़ियारत करवा देते हैं, उनसे भी अक्सर मुलाकात होती है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए एक बहुत मुबारक मुजरब अमल है, जो कई सालों से हमने राज में रखा हुआ था, वो आपके सामने पेश करते हैं। आपने ये करना है कि रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद फारिग होके सारे कामों से और बिल्कुल सोने से पहले आपने बावजू दो रकत नमाज नफल अदा करनी है। पहली रकत में आपने 10 बार सूरत इखलास पढ़नी है, और दूसरी रकत में आपने 5 बार सूरत फलक पढ़नी है। इसको पढ़ने के बाद आपने इसका जो सवाब है दो रकत का और ये सारी सूरतों का, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को हदिया करना है, उनकी ज़ात मुबारक को हदिया करना है। उसके बाद आप अपने मामूल के मुताबिक सो जाएं, कोई बात भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कैद नहीं। सिर्फ़ इस नीयत से आपने दो रकत नमाज नफल पढ़नी है, पहली में सूरत इखलास 10 बार और दूसरी में सूरत फलक 5 बार पढ़नी है। और ये सारी पढ़ाई का और दो रकत का जो सवाब है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को हदिया करना है। बस इतना सा आपने काम करना है, उसके बाद आप दुआ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी नीयत ये हो कि कहीं मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए और उनकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाए, और उनसे रहनुमाई मिल जाए, उनसे गाइडलाइन मिल जाए, और उनसे कोई अच्छा ज़िंदगी का कोई तौर तरीका गुजारने का कोई मशवरा मिल जाए, और दुनिया के और उखरवी मामलात में वो आपकी रहनुमाई करें। बस ये नीयत दिल में हो और ये पढ़ाई करके आपने उनको इसाले सवाब करना है। चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से किसी भी जगह किसी भी हालत में अल्लाह पाक मुलाकात करवा देते हैं। ये बहुत मुबारक अमल है, और एक बार नहीं कई बार मुलाकात होती है। बाद लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं इस अमल को, हर रात को वो इस नीयत से पढ़ते हैं, और उनको ज़िंदगी में कई बार ज़्यारतें हुई। हमने ख़ुद ऐसे अहलुल्लाह से मुलाकातें की जिनको बार बार ज़्यारत हुई और उनसे मुलाकात हुई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह पाक अपने बाज़ गुनाहगार बंदों को भी अपने नेक बंदों की अपने नबियों से मुलाकात करवा देते हैं। ये अल्लाह हर चीज़ पर कादर हैं, वो देखते हैं जिसका दिल जितना साफ़ है, जितना सीधा है, बर्तन जितना सुथरा है, उतनी पाकीज़ा चीज़ उस बर्तन में डाल देते हैं। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह से मांगते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।